Solid uniformly charged non-conducting ball with charge Q. This is a solid uniformly charged non-conducting ball with charge Q. Total charge Q है, uniformly charged. In this, a spherical cavity is made. अब इसमें एक spherical cavity बना दिया, इतना पोर्शन का स्फेरिकल कैविटी बना के इसके चार्ज को निकाल दिया. कैविटी बनाया मतलब ये चार्ज यहाँ से हटा दिया गया है, स्फेरिकल पार्ट. व्हाट इज़ द फील्ड एट सेंटर ऑफ कैविटी? एट सेंटर यहाँ पूछ रहे हैं. अब कैविटी बनाने के बाद यहाँ फील्ड पूछ रहे हैं क्या है, तो रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट. पहले तो उस जगह पर हम फील्ड निकालेंगे ड्यू टू कंप्लीट बॉल. याद करो, पहले कंप्लीट बॉल की निकालेंगे, फिर इस वाले पोर्शन की निकालेंगे, और फिर कंप्लीट बॉल में से इस वाले पोर्शन की यहाँ फील्ड को माइनस कर देंगे. फिर से सपोज कैविटी बनाने के बाद किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, लेट से यहाँ निकालनी है, तो पहले पूरी बॉल की फील्ड विद डायरेक्शन पता करो, फिर इस वाले पार्ट की फील्ड विद डायरेक्शन पता करो, और मेन वाले पार्ट में से इस पार्ट की फील्ड को वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच्चों में पार्ट की फील्ड आ जाएगी. ठीक है ना, यही सीखा था. तो कंप्लीट बॉल की फील्ड, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पूरी सॉलिड बॉल के अंदर है, क्यू. तो फॉर्मूला लगता है उसके लिए, अंदर के लिए क्यू इंटू स्मॉल आर, यही फॉर्मूला था ना. तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर बाय टू. ये कंप्लीट बॉल की फील्ड है, और डायरेक्शन पता करो, ये पूरा चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से फील्ड विल बी पॉइंटिंग अवे. ये जो ये वाली फील्ड है ये मैंने बना दी, ई कंप्लीट बना दिया ये. ठीक है, अब ई ड्यू टू द कैविटी, कैविटी वाले पार्ट से निकालते हैं चलो, फिर देखेंगे क्या करना है. ये एक स्फेरिकल छोटी बॉल है, और फील्ड उसके कहां निकालने को बोल रहे हैं, सेंटर पर. ये बॉल जो भी इसमें चार्ज होगा, फील्ड उसके सेंटर पर, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, बट उस केस में स्मॉल आर की वैल्यू बोलो क्या होगी, जीरो. तो कैविटी के सेंटर पर इस वाले पोर्शन से फील्ड जीरो है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इवन मान रहा हूं और इसको E2 मान रहा हूँ, तो थ्योरी हमने सीखी थी कि बच्चों अब कैविटी बनाने के बाद अगर फील्ड निकालनी होगी उस पॉइंट पे, तो हम इसमें से इसको वेक्टर फॉर्म में माइनस करेंगे, तो ये तो जीरो है ही. ये आंसर आ जाएगा.